नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों आप लोगों को खुशखबरी दे देता हूं कि रिकॉर्ड मशीन पावर स्टार पवन सिंह का एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो गाना आप लोगों के बीच आने वाला है। जिस शानदार वीडियो गाने का नाम है दोस्तों सट्टा के पैसा। इस जबरदस्त वीडियो गाने की एडिटिंग का काम पूरी तरीके से कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों, और बहुत ही जल्दी पावर स्टार पवन सिंह का यह जबरदस्त वीडियो गाना आप लोगों के बीच यूट्यूब पर रिलीज किया जाएगा। दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद होना बहुत ही मामूली बात है, और दोस्तों इस समय सोशल मीडिया पर एक मुद्दा बहुत ही ज्यादा गरमाया हुआ है। एक दोस्तों झंडू टाइप की लड़की है जिसने कह दिया है कि मैं पवन सिंह को नहीं जानती। तो इसमें दोस्तों बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा है कि ये लड़की ऐसे कैसे कह सकती है कि पवन सिंह को नहीं जानती, और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर इस बात को बहुत ही बड़ा मुद्दा बना दिए हैं और झंडू लोगों को हाईलाइट करने का भी ठेका ले लिए। और दोस्तों ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों जिसका गुरु ही ऐसा हो उसका चेला कैसा हो सकता है। पवन सिंह के नाम के बिना तो दोस्तों खेसारी लाल यादव की भी दाल रोटी नहीं चलती, और इनके शिष्य की कैसे चलेगी। लेकिन दोस्तों खेसारी लाल यादव ने इस बार सबसे घटिया और सबसे शर्मनाक काम किया है, ऐसे घटिया लोगों को अपने गाने में काम देकर। इसका मतलब तो दोस्तों ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अब टैलेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में स्टार बनना है या फिर खेसारी लाल यादव के साथ काम करना है, तो आपको खेसारी लाल यादव का फोटो अपने हाथ पर या फिर कहीं भी अपने शरीर में बनवा लेंगे तो खेसारी लाल यादव आपको काम दे देंगे। और दोस्तों खेसारी लाल यादव ने सबसे जोरदार तमाचा मारा है यूपी बिहार के लोगों को और अपने कट्टर फैंस को, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को भी पता है और ये सबको पता है कि खेसारी लाल यादव की जो दाल रोटी है वो यूपी बिहार से ही चलती है। और ये खेसारी लाल यादव की ही नहीं दोस्तों, भोजपुरी में जितने भी स्टार हैं इनकी दाल रोटी ज्यादातर यूपी बिहार से ही चलती है, क्योंकि दोस्तों इनके फिल्में और गाने ज्यादातर यूपी बिहार में ही सुने और देखे जाते हैं। और दोस्तों सही तरीके से देखा जाए तो यूपी बिहार में बहुत सारे लोग टैलेंटेड हैं, और ये खेसारी लाल यादव हो चाहे पवन सिंह हो, इनके गानों पर बहुत ही अच्छा रील्स भी बनाते हैं और अच्छा एक्टिंग भी करते हैं। क्या दोस्तों खेसारी लाल यादव के फैंस टैलेंटेड नहीं है या फिर यूपी बिहार के लोग टैलेंटेड नहीं है जो ऐसे घटिया लड़की को इनके एल्बम गाने में काम करना पड़ा। और दोस्तों इस लड़की की औकात तो देखिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पहला ही एल्बम गाना करते ही ये भोजपुरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने वाले पवन सिंह को नहीं पहचानती, जबकि दोस्तों ये आपको भी पता है और पूरी दुनिया को भी पता है कि इस समय भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम पवन सिंह, रवि किशन, मनोज तिवारी और निरहुआ के नाम से ही जाना जाता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो पवन सिंह को नहीं जानती उसका बाप पवन सिंह को अपना बाप मानता है। लास्ट में दोस्तों मैं खेसारी लाल यादव के फैन से बस यही कहना चाहता हूं कि आप लोग खेसारी लाल यादव की फिल्में और गाने बेमतलब का देखते हैं, क्योंकि खेसारी लाल यादव की फिल्में और गाने सुनने से आप लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप लोग खेसारी लाल यादव से मिलने को हमेशा तरसते रहेंगे। अगर आप लोगों को खेसारी लाल यादव के साथ काम करना है तो सीधी सी बात है, आप लोग अपने शरीर पर टैटू बनवाइए और खेसारी लाल यादव के पास पहुंच जाइए, क्योंकि आप लोग दिन रात मेहनत करके खेसारी लाल यादव के गाने और फिल्मों को सुनते हैं और देखते हैं, लेकिन आप लोगों को खेसारी लाल यादव भाव तक नहीं देते हैं। और वहीं एक लड़की बिना मेहनत के अपने हाथ पर टैटू बनवा कर आ जाती है और उसको खेसारी लाल यादव के साथ एल्बम में काम करने का मौका मिल जाता है। यानी कि इसका मतलब साफ साफ है कि सच्चा फैन बनने से कुछ नहीं होता, दिखावा करने से सब कुछ होता है। और दोस्तों मैं लास्ट में पावर स्टार पवन सिंह के फैन से बस यही कहना चाहता हूं कि एक झंडू लड़की के कहने से कुछ भी होने वाला नहीं है। पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे शख्स हैं जो रास्ता बनाते हैं और उनके रास्ते पर लोग चलते हैं। रिकॉर्ड मशीन पावर स्टार पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में एक और लकीर खींच रहे हैं। आ रही है पावर स्टार पवन सिंह बहुत ही महंगे बैठ की और बहुत ही जबरदस्त फिल्म जिसका नाम है हर हर गंगे। ये पैन इंडिया फिल्म है दोस्तों, और इसको 3 से 4 भाषाओं में बनाया जाएगा। और लास्ट में मैं बस यही कहना चाहता हूं कि खेसारी लाल यादव को शर्म आनी चाहिए कि बाहर का आदमी आकर कोई भोजपुरी इंडस्ट्री की बेइज्जती कर रहा है और आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। और दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सौम्या पोखरियाल ने जो ये इंटरव्यू में बोला है इसके पीछे केवल खेसारी लाल यादव का ही हाथ। तो दोस्तों इस पर आप लोगों की क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और इसी तरह की चटपटी खबरों की डेली अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।